السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ये सामने गैलरी के अंदर कुछ वो हो गया है, वॉलंटियर से गुजारिश है कि खामोशी के साथ बिठा दें इन लोगों को। आप लोग बैठे रहें, आप लोग कुछ नहीं करें, बैठे रहें, कुछ नहीं है। वो कुछ लोग जा रहे हैं, खामोशी के साथ बैठ जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، عمائے دین ملت، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے تو اپنے تمام اکابرین سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صحت کی حالت کی وجہ سے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بے ادبی کو معاف فرمائیں۔ حالات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ تو وہ ہے جو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور جس رخ کی وجہ سے جو فکر مندی، جو بے چینی، جو اضطراب، جو تشویش آپ سب کو ہے، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، وہ رخ بالکل عیاں ہے۔ خطرات ہیں، سازشیں ہیں، مذموم ارادے ہیں، جانیں لی جا رہی ہیں، مکانات، دکانیں بلڈوز کیے جا رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جیل بھر رہے ہیں، اور قوموں کو مایوسی اور خوف میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کیجئے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے۔ حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ حالات کے حقیقی رخ یہ ہے
कि अमन व इंसाफ के क़याम का वक्त करीब है। यह हमेशा पूरी तारीख में इंसाफ का क़याम जब भी करीब हुआ है तो उससे पहले चैलेंजेस आते हैं, उससे पहले झंझोड़ देने वाले हालात आते हैं और दुनिया में जुल्म का मिजाज रखने वाले लोग वो जुल्म को अपनी आखिरी इंतहा तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी सूरह इब्राहीम की, जिसमें अल्लाह ने इंसानी तारीख के वाक़यात को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि हर दौर में अंबिया अलैहिस्सलाम को ये धमकियां सुननी पड़ी हैं अपने ज़माने के सच्चाइयों को झुटलाने वालों की तरफ से कि लनुख्रिजन्नकुम मिन अर्दिना अव लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, तुमको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, हम तुमको अपने मुल्क से अपने देश से निकाल कर रहेंगे, हमारे देश में तुम्हारे रहने की सिर्फ एक शक्ल है कि तुम घर वापसी करो। लतऊदुन्न ये क़ुरान का एजाज है कि क़ुरान ने वही वापसी का लफ्ज़ बोला है जो आज कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या यही मंसूबा हमेशा ज़ालिमों का हमेशा पूरा हुआ है? नहीं। सूरह इब्राहीम की इसी आयत में अल्लाह ने एक तरफ ज़ालिम ताकतों के मंसूबों को, उनकी प्लानिंग और ख्वाहिशात और तमन्नाओं को बयान करने के बाद अपने नबियों और रसूलों से साफ यह है फाउहा इले होंगे और तुमको सुकून का ख्याल रखना, ज़ालिक लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, जो भी ये इनाम ये अंजाम और ये मुस्तकबिल सिर्फ उनका मुकद्दर होगा जो रोज़ महशर मेरे सामने खड़े होने और के सूरत हाल का ये पहलू सामने रखिए। रात का अंधेरा जब बहुत बढ़ता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तो उसको देखकर दो किस्म के तासुरात कायम होते हैं। कुछ लोग घबराने लगते हैं, अंधेरा बहुत छा गया अब क्या होगा, और कुछ और लोग होते हैं अंधेरे के करीब होने का मतलब यह है अगर ये हालात न होते, अगर कुछ अक्ल के दुश्मनों ने, अगर इंसाफ के दुश्मनों ने इस मुल्क में जुल्म का नंगा नाचना न शुरू किया होता तो क्या आज करबला का ये मैदान तारीख साज करबला के मैदान की याद दिला रहा होता? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपको डराने नहीं, खुशखबरियां सुनाने आया हूँ। मैं आपको बहुत ही मोहतात लफ्ज़ों में बहुत मुस्बत तौर पर हाजिर हुआ हूँ। खतरात से आगाह करने का काम मेरे पेशरो फाजिल मुकर्रिरों ने, जिनमें बड़े फाजिल उलमा भी, जिनमें जिंदा दिल नौजवान भी कहता हूँ, और जो एक बहुत बड़ी मुस्बत अलामत हाल में सामने आई है, अल्लाह ने अपने करम से अपनी कुदरत से रहमत दुआलम आका इनामदार मोहसिन इंसानियत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को, उनकी ज़िंदगी को, उनके नामे नामी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के अखबारात, पूरी दुनिया के मुफक्किरीन मुदब्बिरीन, पूरी दुनिया के अहले कलम, पूरी दुनिया के पॉलिसी मेकर्स,
पूरी दुनिया के मेंबरान पार्लियामेंट, यहाँ तक के अक्वामे मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के सोचने समझने वाले लोग, वो इस वक्त एक ही ज़ात के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करने पर मजबूर हैं, और वो ज़ात है सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ज़रा मुस्बत अंदाज से हालात को सोचने की आदत डालिए। याद रखिए, ये मनफी जो नेगेटिव हालात हैं, इनके पीछे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव तस्वीर छुपी होती है। अगर आप सिर्फ मीडिया के ज़रिए हालात को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सूरत हाल की असली हकीकत को और मनफी मंजरनामे के पीछे छुपे हुई पॉजिटिव हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। हम करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते तो हम पूरी दुनिया के लोगों को एक रात में, एक दिन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शख्सियत का नाम लेने की तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकते थे। आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने क्या किया। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने मंसूबा कुछ और बनाया और अल्लाह ने मंसूबा कुछ और बनाया, और मंसूबा पूरा होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। ये मौका है नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुल्क व मिल्लत का मुस्तकबिल बनने की हैसियत रखने वाले ए नौजवानों, ये मौका है कि तुम एक बार पूरी संजीदगी के साथ वापस आ जाओ और चिमट जाओ दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जिस बदबख्त तो बदनसीब या बेखबर अल्लाह की बंदी ने, मैंने तो उसको भी अपनी बेटी कह के मुखातब किया है, इसलिए कि नबियों की ज़ुबान मोहब्बत भरी होती है। मैं जिस बंदी ने जाने अनजाने में गुस्ताखी की, रहमत दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में उसने एक मौका फराहम किया है। क्या मौका फराहम किया है? उन करोड़ों मुसलमानों के लिए जो गलती से अभी तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से, उनकी शख्सियत से, उनकी सीरत व किरदार से, उनके दर्द व गम से, उनके पैगाम से, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत से, उनके अदल व इंसाफ से, उनकी सखावत से वाकिफ़ नहीं थे, ये मौका फराहम किया है ऐ मेरे नौजवानों तुम्हारे लिए कि तुम अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को फिर से पढ़ो। मुझे जवाब दो, ऐसा करोगे? क्या इस बात पर शर्मिंदगी नहीं है कि वाकई हम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात से वैसी वाबस्तगी, वैसा ताल्लुक, वैसे अमली फॉलोइंग, वैसा इल्म, वैसी वाकफियत, उनकी ज़िंदगी, उनके अखलाक व किरदार, उनके जज्बात, उनकी आरजुएँ, उनकी तमन्नाओं से, उनके शब व रोज़ के मामूलात से हम भी उतने वाकिफ नहीं हैं जितना वाकिफ होना चाहिए। इस आसमान के नीचे ऐसा दर्दमंद इंसान, ऐसी मोहब्बतों की बरखा बरसाने वाला, दुश्मनों को दोस्त बनाने का सलीका रखने वाला, गलतियों को माफ़ करने वाला, अपने ऊपर पत्थरों की बारिश करने वालों के लिए दुआएं करने वाला, और आए हुए अजाब को अल्लाह की खुशामद करके वापस करवा देने वाला, न आसमान की आँखों ने मोहम्मद से पहले न कभी देखा न आइंदा कभी देखेंगे। मगर क्या नौजवानों, बुरा न मानना, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, बुरा न मानना, क्या हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारी इबादतें, क्या हमारे अखलाक, क्या हमारी मुआशरत, क्या गरीबों के साथ हमारा सलूक, क्या सफाई सुथराई का हमारा अहतमाम, क्या हेल्थ और हाइजीन के उसूलों पर अमल करने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल की तालीमात, क्या पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, क्या यतीमों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, मकरूज़ों, बीमारों, कैदियों के साथ
क्या हमारा उस तरह का ताल्लुक है जो ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी भर निभा कर दिखाया और जो सिखा कर गए। हमें शर्मिंदगी के साथ इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमसे कसूर हुआ है और ये जो मौजूदा वाकया है इस शर से ये खैर निकलना चाहिए कि पूरे तमाम मुसलमानों का एक जवाब हो और वो ये कि तुमने हमको मुतवज्जे कर दिया। आज से न हमारी कोई नमाज लेट होगी, न हमारे अखलाक ख़राब होंगे, न कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगी, न कोई अमीर किसी गरीब को हिकारत से देखेगा। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सो जाए। हम अपने गरीब भाइयों के बच्चों की अच्छी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, इसलिए कि यही सिखाया था आका ने। हम अपने भूखे प्यासे लोगों को खिलाएंगे और पिलाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उसमें धर्म और ज़ात का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे रहमत दो आलम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। ये भी हो सकता है कि आप मौजूदा हालात का जवाब सिर्फ गुस्से भरी तकरीरों से दे दें और नारे लगा कर दे दें और एहतजाज करके दे दें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप इसका जवाब इस तरह दें कि रात के अंधेरे में मैं अपनी बेटियों से भी कह रहा हूँ, बहनों से भी कह रहा हूँ, भाइयों और नौजवानों से भी कह रहा हूँ। इस तरह भी आप मौजूदा हालात का जवाब दे सकते हैं कि रात के अंधेरे में आप चुपचाप जानमाज बिछाएं, जानमाज ना हो तो फटे हुए बोरे को बिछाएं और उसके बाद अल्लाह के सामने तौबा की नियत से सजदा करें और दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। अल्लाह के रसूल, अहले बैत अतहार, सहाबे किराम, उम्महातुल मोमिनीन, उनको याद करें और उनसे कहें हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, शायद हमारी वजह से आप बदनाम हो रहे हैं, आज से हम आपको बेआबरू नहीं होने देंगे। और ये भी अजीब कुदरत का एजाज़ है कि एक सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अहले बैत अतहार में से, खानवादे नबूवत में से एक पाक दामन खातून का भी नाम लिया गया। हमारे मौलाना ने अभी अजवाज मुतहरात का जिस अज़मत एहतराम के साथ तस्किरा किया उसने मेरे जहन को इस तरह मुतवज्जे किया। यहाँ जो बहनें और बेटियाँ बैठी हैं, मैं उनसे भी ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, ये वक्त है कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा की पाक दामन ज़िंदगी और इंसानियत पर उनके एहसानात, इल्म के फैलाने के सिलसिले में उनकी खिदमात, उनकी वफादारियाँ, उनकी जुरत, उनकी बहादुरी, उनकी इफ़्ज़त व पाकदामनी, हमारी एक एक बेटी अपना आइडियल बना ले सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, सईद फ़ातिमा जहरा बतूल रज़ी अल्लाह अन्हा को। ये मौका है, आप ये रुख भी दे सकते हैं मौजूदा हालात का, कोई कानून आपको इस रुख के देने से नहीं रोक सकता। ये मौका है, आपने शायद उर्दू के मशहूर शायर अख्तर शिरानी की ज़िंदगी का एक वाक़या सुना होगा। अख्तर शिरानी बड़े ज़बरदस्त शायर थे और शायर हजरात से माजरत के साथ कहता हूँ कि बहुत से शायरों की तरह शराब व कबाब के आदि हो गए थे। एक दिन शराब के नशे में चूर बैठे हुए थे, ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, होश जा चुका था और सुना है कि जब किसी के दिमाग पर नशा तारी होता है, कोई नशे में मखमूर हो जाता है तो अपने को अपनी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझने लगता है। इसी कैफियत में थे कि उनके किसी मनचले और शोख शागिर्द ने, स्टूडेंट ने उनसे तफरी लेनी शुरू की और मुख्तलिफ लोगों के बारे में सवालात करने शुरू किए। कहा, उस्ताद जी जोश के बारे में क्या ख्याल है, उस्ताद जी फलां के बारे में क्या ख्याल है,
उर्दू अदब के अजीम असातीन के नाम लेकर, शेर व अदब के अजीम इमामों के नाम लेकर जो उस दौर में थे, पूछना शुरू किया अख्तर शिरानी से। अख्तर शिरानी हर एक को कंडम करते चले गए। अरस्तु और सुकरात के बारे में पूछा, उनके वही अजीब व गरीब तमस्खुर आमेज अंदाज से जवाब दिया अख्तर शिरानी ने। उस वक्त किसी बेखबर नौजवान की ज़बान से एक अजब जुमला निकला। वो एक कम्युनिस्ट नौजवान था, उसने सोचा कि एक अच्छा मौका है, उस्ताद जी नशे की कैफियत में हैं, एक जुमला उनसे कहलवा लिया जाए जो बाद में सनद बन जाएगा हम शागिर्दों के लिए। उसने कहा, और हुजूर उस्ताद हुजूर, पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? नौजवानों, कलेजे पर हाथ रखकर सुनो कि शराब के नशे में चूर व अख्तर शिरानी, ये नाम नामी सुनते ही थत्थर कांपने लगे। जाम फेंका, छड़ी उठाई और इस तरह उस नौजवान के पेशानी पर मारा कि उसके पेशानी के में फट गया सर उसका। और कहा अख्तर शिरानी ने कि नाहंजार, ए बदबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी नापाक मजलिस में ये पाक नाम लिया? उसके बाद उठे, निकल गए मजलिस छोड़कर और कमरा बंद कर लिया, गुस्ल किया, कपड़े बदले, जानमाज बिछाई और कहा, अल्लाह, आज मेरी वजह से आपका न, आपके हबीब, आपके महबूब, वजह तख्लीक कायनात सैयदुल बशर का नाम बदनाम हुआ है। मुझसे बढ़कर रुए ज़मीन पर कोई गुनहगार नहीं है। बार इलाहा मुझे माफ़ कर दे, आज से मैं वादा करता हूँ कभी शराब को मुँह नहीं लगाऊँगा। और सवान निगार अख्तर शिरानी के सवान निगारों ने लिखा है कि उसके बाद से मरते दम तक शराब को हाथ नहीं लगाया और एक अच्छे मोमिन बनकर दुनिया से रुखसत हुए। ये भी एक तरीका है, इन चैलेंजेस को कबूल करने का ये भी एक तरीका है। ये जलसा खाली सियासी जलसा हरगिज़ नहीं है, ये जलसा एक इस्लाही जलसा है, ये जलसा एक तालीमी जलसा है, ये जलसा एक तरबियती जलसा है, ये जलसा एक एजुकेशन की रूह लिए हुए है। और मैं आपके इस जज्बे को, इस अदब को, इस सलीके को, इस वक़ार को और इश्क रसूल की उस आग को जो आपके सीने में भड़की हुई है, मैं उसको सलाम करता हूँ। एक तरीका ये है, इस गुस्ताखी और बदबख्त और बदजुबान लोगों की इस हरकत का जवाब देने का, वो ये कि थैंक यू नुपुल शर्मा एंड थैंक यू, तुमने हमें जगा दिया, तुमने हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया, अब हम सहाबा और अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के निशानों पर सरों के बल चलेंगे। अब हम गरीबों का ख्याल करेंगे, अपनी शादियों में पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम गरीबों की, गरीब बेटियों की शादियों में पैसा खर्च करेंगे, हम अच्छी तालीम के दिलाने पर पैसा खर्च करेंगे, हम उन तमाम हरकतों से बाज आएंगे। मैं लोगों में माजरत के साथ कहता हूँ, हुकूमत को और सियासी पार्टियों को बुरा भला कह देना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने समाज की खराबियों को बरसरेआम मोहब्बत के साथ टोकना, इसका रिवाज ख़त्म हो गया। अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, हैदराबाद शहर के एक मुसलमान जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 16 करोड़ रुपया खर्च किया। आपने सुना कितना खर्च किया? जवाब दीजिए, 16 करोड़ रुपया। और फिर क्या हुआ, उन्हीं सेठ साहब ने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी की तबीयत ख़राब हुई, वो इमाम साहब अपने सेठ साहब से हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेकर अपनी बीवी की देखभाल के लिए गांव गए। बीवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी
उनको आने में दो चार दिन देर हो गई। वो दो चार दिन देर के बाद जब इमाम वापस आए तो उन्हीं सेठ साहब ने, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 16 करोड़ रुपया खर्च किया था, उन्हीं साहब ने इमाम साहब की तनख्वाह में से 4000 रुपये काट लिए। ये इस्लाम है? ऐसे इंसान को मुसलमान कहना क्या मुमकिन है? मैं आपका दिल दुखाने का कोई हक नहीं रखता, मगर आपकी मोहब्बत, आपके खलूस, आपकी सादा लोही, इसकी वजह से मैं जुरत करता हूँ और अपना आपका हक समझता हूँ और अपना फ़र्ज समझता हूँ कि हम अपने भी गरेबान में झांक कर देखने की आदत डालें। क्या हमारे दरमियान वो इत्तेहाद, वो वहदत मिल्लत, वो इत्तेहाद फ़िक्र है जो होना चाहिए? क्या ये हकीकत, ये तल्ख हकीकत सही नहीं है कि अगर कुछ अहमक, बेवकूफ़ और ज़ालिम लोगों ने ज़मीन तंग न की होती तो आज करबला का मैदान भी तंग न होता, हम और आप यहाँ न होते? हम जो इकट्ठा हो रहे हैं, हर जगह हमारे अंदर एक बेचैनी है, उस बेचैनी के पीछे आप समझिए, इसीलिए मैंने वो आयत पढ़ी थी कि आसा अंतक रहू शयऊँ वह हुआ खैरुल्लकुम, हो सकता है कि कोई सूरत हाल या कोई चीज़ तुमको बहुत नापसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ और कोई सूरत हाल तुमको बहुत पसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मुल्क में इस वक्त मैं इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक का इंसान हूँ। मुल्क में इस वक्त इतना शानदार मौके पैदा हो गए हैं और मैं पढ़े लिखे लोगों को उनकी ज़बान में खिताब करते हुए कहना चाहता हूँ, कोई कौम आज तक कभी भी कामयाब नहीं हुई जब तक के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने का फ़न वो कौम सीख नहीं लेती। चैलेंजेस जो आते हैं यही कौमों की तरक्की का सबब बनते हैं। नॉर्मल हालात ये कौमों को सुला देते हैं, चैलेंजेस जब आते हैं अगर सही क़यादत मिल जाए, अगर सही लीडरशिप मिल जाए और कौम उस सही लीडरशिप की कदर कर ले, कौम अगर उस पॉजिटिव रहनुमाई की कदर कर ले तो फिर यकीन रखिए वही चैलेंजेस उस कौम की तरक्की का सबब बनते हैं। जापान की तरक्की, आप जनरल नॉलेज के अगर स्टूडेंट रहे हैं तो पढ़िए वो जापान जो न्यूक्लियर हमले से पहले था और वो जापान जो न्यूक्लियर हमले के बाद हुआ। जापान की सारी तरक्की टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में जो ज़बरदस्त तरक्की हुई है वो न्यूक्लियर हमले में बर्बाद हो जाने के बाद हुई है, जब जापान खंडर बना दिया गया था। लेकिन बात क्या थी, जापानी कौम जज्बाती कौम नहीं है, जापानी कौम रियलिस्टिक कौम है, एक साइंटिफिक अप्रोच है उसके अंदर। चुनांचे जापान में उस वक्त बादशाह को एक मौका मिला कौम को खिताब करने का, रेडियो स्टेशन टूट फूट गया था न्यूक्लियर अटैक के बाद, टूटे फूटे तारों को जोड़कर उस वक्त के जापान के बादशाह ने अपनी कौम से रेडियो पर खिताब करते हैं। क्या आप भी दोहराएंगे ये जुमले? आज हम अहद करते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, ये कहा जापान के बादशाह ने। आज हम अहद करते हैं कि आज हम अपनी कौमी तरक्की के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने माल को अय्याशियों पर नहीं कौमी तरक्की पर खर्च करेंगे, अपनी सलाहियतों को तमाशबीनी पर नहीं कौमी तरक्की में लगाएंगे। चुनांचे कौम ने जो जवाब दिया अपने बादशाह की तकरीर का
वो इस तरह जवाब दिया कि कौम ने कहा कि अब तक हम 12 घंटे काम करते थे, अब हम 16 घंटे काम करेंगे और 4 घंटे की जो आमदनी होगी उसको कौमी ख़जाने में जमा करेंगे ताकि नेशन को दोबारा जल्दी से जल्दी बुलंदियों पर और अपने कदमों पर खड़ा किया जा सके। मैं नहायत रोशन इम्कान देख रहा हूँ अपने मुल्क में, बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ नहायत रोशन इम्कान हैं। ये मत समझिए कि सारे ही भारत के लोग इतने ही ख़राब हो गए, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। हर समाज में, हर ज़ुबान के बोलने वाले लोगों में, हर स्टेट और सूबे में, हर धर्म के मानने वालों में, हर सोशल यूनिट में, हर सामाजिक इकाई में आज भी अक्सरियत और मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, लेकिन वो अच्छे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जयपुर के जवां हिम्मत और जवां उम्र इन जिम्मेदारान को, जिन हजरात ने इतने बड़े जलसे का एक बेड़ा उठाया, चंद दिनों पहले मुझसे इनकी मुलाकात हुई बॉम्बे में एक मीटिंग के दौरान, उस वक्त उन्होंने कुछ ख्याल पेश किया, मैंने कुछ अपनी तरफ से तजवीज़ पेश की, इसलिए कि मैं राजस्थान के बारे में, जयपुर के बारे में, उसकी तारीख के मुताले की रोशनी में और हालात, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ जिस तरह मोहब्बत है, यहाँ जिस तरह रूहानियत है, अगर इस ज़मीन में रूहानियत न होती तो आका इनामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदुल अवलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकज़हु को अजमेर हिजरत करके वतन बनाकर पड़ाव डाल देने का हुक्म न दिया होता। इस ज़मीन में रूहानियत है, इस ज़मीन में सखावत है, इस ज़मीन के अंदर बहादुरी है, इसमें जज्बात हैं, इसमें मोहब्बत है, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपका ये जलसा बहुत से जलसों की तरह एक वक्ती जलसा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि मुल्क में अमन व इंसाफ के क़याम की एक मंसूबा बंद जद्दोजहद का नुक्ते आगाज़ बनेगा। कहिए इंशाअल्लाह, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। मैं अपनी बहनों और बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, कदम कदम पर आज पूरी इंसानी दुनिया ये नज़ारा देख रही है, ये जहाँ मर्दों के कदम डगमगाने लगते हैं वहाँ हमारी बेटियाँ और बहनें बहादुरी का सबूत देती हैं। शाबाश है बेटियों, शाबाश है बहनों, क्या हिजाब का मसला, क्या ट्रिपल तलाक का मसला, तुमने साबित कदमी दिखाई, तुमने इस्तिकामत दिखाई, तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने तय किया कि हम इंसानी वैल्यूज़ के मुकद्दस मजमूए का नाम है। मुझे आज इसी जयपुर का एक जलसे की शिरकत और उसके मौके का तजर्बा याद आ रहा है, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके थोड़े ही दिनों के बाद, जबकि यहाँ उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की वो डिसमिस की गई थी, भैरव सिंह शेखावत जी उस वक्त यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त पूरे मुल्क में तनाव का माहौल था, नफ़रत का माहौल था, खौफ का माहौल था। यहाँ से कुछ लोग लखनऊ आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हम एक जलसे सीरत करना चाहते हैं, आपको बुलाने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि देखो, जिस नबी रहमत के तस्किरे पर तुम एक जलसा करना चाहते हो, वो मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो दुनिया की तमाम कौमों के लिए खुदा की तरफ से रहमत का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए अगर तुम अपने जलसे में सिर्फ मुसलमानों को बुलाओगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। तुम सबको बुलाओ, सब गैर मुस्लिमों को बुलाओ, मर्दों और ख़वातीन को बुलाओ, अगर लोग नहीं आते तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से आम दावत और पुकार होनी चाहिए। वो लोग थोड़े हिचकिचाए और डरे,
कि उस वक्त के तनाव के माहौल में ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन मेरे इसरार पर अल्लाह ने उनके दिलों में हिम्मत डाल दी और उन्होंने वादा किया। और बिल आखिर में शायद फरवरी का महीना था जब मैं जयपुर आया, और मुझे ये तो याद नहीं रहा कि वो कौन सा ग्राउंड था, लेकिन मैं जब जलसे गाह में आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तकरीबन 2-3 हज़ार नॉन मुस्लिम भाई और बहनें मौजूद हैं और बकिया 7-8 हज़ार या 10 हज़ार मुसलमान थे। उस मौके पर भैरव सिंह शेखावत साहब को भी उन लोगों ने मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया था। काफ़ी सिक्योरिटी थी, पुलिस की बहुत बड़ी नफरी वहाँ पर हिफाजत के लिए तैनात थी। शेखावत साहब की तकरीर को तकरीर के लिए बुलाया गया तो शेखावत साहब ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में वो अच्छे कलिमात कहे जो आम तौर पर पढ़े लिखे शरीफ मिजाज के गैर मुस्लिम कहा करते हैं, लेकिन लंबी तकरीर करने के बजाय 5-10 मिनट बोलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ और क्या कह पाऊँगा, मैं तो खुद आपसे सीखने आया हूँ, सुनने आया हूँ। हाँ, मुझे इजाज़त दीजिए, एक प्रश्न, एक सवाल है जो मेरे जहन में बहुत दिन से गूंज रहा है, और वो ये, मुझे वो करने की इजाज़त दीजिए, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि मंच पर बहुत बड़ी तादाद में उलमा और विद्वान मौजूद हैं, और वो सवाल ये है कि मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि वो कौम क्यों गरीब है जिसके पास ज़कात जैसा सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा, मैंने इस्लाम के बारे में जितना पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है, उसकी वजह से मुझे यकीन है कि जिस कौम के पास ज़कात जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ज़कात जैसा सिस्टम हो, वो कभी गरीब नहीं रह सकती। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। उसके बाद कई हजरात आए, लेकिन किसी ने मालूम नहीं क्यों इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे बेचैनी हुई, 1-1.5 बजे रात का वक्त हो गया, सर्दी का मौसम था। शेखावत साहब उठकर जाने लगे, मैंने जलसे के मुंतजमीन से कहा कि इनसे दरख्वास्त कीजिए कि ये चंद मिनट रुक जाएं और इन फाजिल मुकर्रर की तकरीर के बाद मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए बुला लीजिए, हो सकता है कि मैं 1.5-2 मिनट में इस सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद शेखावत साहब तशरीफ़ ले जाएँ। चुनाचे ऐसे ही हुआ, मुझे बुलाया गया और मैंने कहा कि बहुत सीधा सा जवाब है, वो ये कि वो लोग जिन पर जिनको ज़कात देनी चाहिए उनमें से अक्सरियत आज ज़कात नहीं दे रही मुसलमानों की, और दूसरी बात ये कि जिस तरह ज़कात देना चाहिए उस तरह ज़कात नहीं देते लोग, जो सिस्टम होना चाहिए। ज़कात इस तरह नहीं दी जानी चाहिए कि एक इंसान ज़िंदगी भर ज़कात ही लेता रहे। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने सरकारी फरमान जारी किया था कि इज़ा आतैतुम फ़अग्नू, जब तुम ज़कात किसी को दो तो इतनी दो कि वो खुद अगले साल ज़कात देने वाला बन जाए। अपने पैरों पर लोगों को खड़ा करो, एम्पावरमेंट का मसला है। यह वजह मुसलमानों की गुर्बत किया। तो जब मैंने ये बात पूरी की तो तकरीबन 1.5-2 मिनट हुए होंगे, मैं बात पूरी करके पीछे हटने लगा। शेखावत साहब ने मुंतजमीन से कहा कि अगर आप नोमानी साहब ही को पूरी तकरीर करने दें तो मैं उनकी पूरी तकरीर सुनकर ही जाऊंगा। उसके बाद मैंने अपना कलेजा निकाल के रख दिया, क्या क्या कहा मैं जिस वक्त उसको नहीं दोहरा सकता, वक्त इजाज़त नहीं देता। मैंने उसमें ये कहा कि शेखावत साहब, जिस मोहब्बत से आपने ये सवाल किया था उसी मोहब्बत से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपको इस बात पर यकीन है कि ज़कात भारत की गरीबी को दूर कर सकता है ये सिस्टम, तो फिर आप इस सिस्टम को क्यों नहीं अपनाते? क्या रुकावट है? क्या ये रुकावट है कि ज़कात विदेशी धर्म का हिस्सा है? तो मैं शेखावत भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, यह माइक्रोफोन भी विदेशी है, यह इलेक्ट्रिक भी विदेशी है, हर चीज़ विदेशी को हम कबूल कर रहे हैं, हवाई जहाज़ भी विदेशी है, टेलीफोन भी विदेशी है, हम हर चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, और हम एक अच्छे सिस्टम को जिससे देश की गरीबी दूर हो सकती है उसको स्वीकार नहीं करते। उसके आगे बढ़कर मैंने और भी कुछ कहा,
मैंने कहा कि नमाज, ये नमाज अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी में संस्कृत से आया है और संस्कृत में मैंने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, उन धर्म ग्रंथों में कई जगह पर यह आया है कि नमः अज का हुक्म दिया गया है, उसके बाकायदा अहकाम दिए गए हैं। नमः अज का मतलब उस परमेश्वर के सामने नमन करना जिसने किसी से जन्म नहीं लिया, यह नमः अज वो फारसी में बन गया नमाज। जब इस्लाम का अंतिम संस्करण आखिरी एडिशन इंडिया में आया तो मैं सलाम भेजता हूँ उन अजीम अहले बसीरत मुसलमानों को कि उन्होंने यहाँ अरबी का लफ्ज़ सलात रिवाज देने के बजाय नमाज के लफ्ज़ को रिवाज दिया, ताकि भारत के हर कच्चे पक्के घर में ये संदेश जाए कि ये नमाज कोई विदेशी अमल नहीं है, सबसे पहले भारत को मिला था। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, भारत से इस्लाम का रिश्ता, भारत से हमारा रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि यह हमारा अजीज़ वतन है, भारत से हमारा रिश्ता मज़हबी भी है, धार्मिक भी है। आदम अलैहिस्सलाम को यह हमारा पुख्ता अकीदा है कि पहले इंसान और पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतार कर ज़मीन में बसाने का अल्लाह ने फ़ैसला किया तो अल्लाह ने आदम को अरब में नहीं भेजा था, अल्लाह ने आदम को भारत में भेजा था। उस इलाके का नाम जम्बूसरा द्वीप है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि आप भविष्य पुराण पढ़ लीजिए, भविष्य पुराण में वो पूरी तफसील मौजूद है जिसके मुताबिक ये बात साबित होती है कि आदम अलैहिस्सलाम जम्बूसरा द्वीप में आए थे। और मुस्लिम उलमा से कहूँगा कि सूरह बकरा की वो आयतें जिनमें आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन में भेजे जाने का कुरान में तज़किरा है, उसकी तफसीर तफसीर इबन कसीर में पढ़ लीजिए। इबन कसीर ने बेशुमार सनदों के साथ ये बात साबित की है कि आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन हिंद में उतरे थे। इसलिए हमारा रिश्ता इस मुल्क से दोहरा है, वतनी भी है, मज़हबी भी है। और इसीलिए हमको ये फ़िक्र है कि ये इस मुल्क में अमन कायम हो, और अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि इंसाफ कायम ना हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा हर गरीब के साथ, हर मजदूर के साथ, हर किसान के साथ, हर मर्द और औरत के साथ, जब तक इंसाफ नहीं होगा देश में अमन कायम नहीं हो सकता। और अमन कायम नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। कुछ पूंजीपति लोग, कुछ उद्योगपति लोग, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस तरक्की कर सकते हैं, लेकिन देश तरक्की नहीं कर सकता। सबूत है इस बात का कि कोरोना के ज़माने में अंबानी की दौलत 97% बढ़ गई, और कोरोना के ज़माने में भारत 17 दर्जे नीचे चला गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से। अब हम दुनिया में 107 नंबर के गरीबी के लिहाज से देश में हैं। शर्म आती है कहते हुए, पाकिस्तान की हालत हमसे बेहतर, भूटान की हालत हमसे बेहतर, बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर, श्रीलंका की हालत हमसे बेहतर। और मसला क्या है? मसला यह है कि हर मस्जिद को खोदो उसके अंदर से शिवलिंग निकलेगा। शर्म आती है, शर्म आती है वाकई। ये कौन सी सतह है, ये किस सतह पर लोग गिर गए हैं? मैं इनको सांप्रदायिकता नहीं कहता, मैं इसको कम्युनलिज्म नहीं कहता, मैं इसको दिमागी दिवालियापन कहता हूँ। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये कोई दिमागी बीमारी है। और अभी किसी ने कहा था कि राजा खामोश है, याद आया? और इस पर ताज्जुब का इजहार किया था, मुझे इस ताज्जुब पर ताज्जुब है। राजा प्लेयर नहीं है, टीम का कोच है, और कोच गोल नहीं मारता, कोच गोल मारने वालों को गोल मारने का तरीका सिखाता है। कोच बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है,
वो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की नाच नचा रहा है, लेकिन मैं इस नेगेटिव एस्पेक्ट को बयान ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे आपको जोश तो आएगा, तालियां बजाएंगे आप, लेकिन आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी, आपको लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा। खुदा के बंधु, नंबर एक, आज भी इस मुल्क में मजलूमों की अक्सरियत है, मजलूम अक्सरियत में हैं। अब तक ये मजलूम अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे अपने अधिकारों की। खुदा भला करे कुछ बेवकूफ़ लोगों का कि उन्होंने इन मजलूम लोगों के इकट्ठा होने का इंतज़ाम कर दिया। अब भी ये मजलूम अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर बेवकूफ़ उधर भी और बेवकूफ़ इधर भी। मजलूमों को इकट्ठा होना चाहिए। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इस जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ मुसलमानों को इस जलसे में नहीं बुलाया, सिर्फ मुसलमान स्पीकर्स और मुकर्ररों को नहीं बुलाया, काश के और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में होते, लेकिन एक मजबूरी टाइम की भी है, गर्मी का मौसम है, दिन में जलसा कर नहीं सकते थे, शाम के वक्त में लिमिटेशंस हैं कि 10 बजे से आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जिन जिन भाइयों ने यहाँ नुमाइंदगी की, ये अकेले एक नहीं है, ये लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में जाट समाज की नुमाइंदगी, गुज्जर समाज की नुमाइंदगी, ओबीसी समाज की नुमाइंदगी, शेड्यूल कास्ट समाज की नुमाइंदगी, शेड्यूल ट्राइब समाज की नुमाइंदगी, और काश कि जो दो चार समाज और रह गए उनकी नुमाइंदगी भी होती। क्या आप आइंदा एक मौका ऐसा और फराहम करेंगे हाफिज़ मंजूर साहब और मुफ्ती अखलाक साहब को और उनके साथियों को कि देश भर के मजलूमों के रहनुमाओं को आप यहाँ जमा करें? राजस्थान इस मुल्क की सूखी खेती को सैराब करेगा। कहा जाता है कि राजस्थान डिजर्ट है, कहा जाता है कि राजस्थान में पानी की कमी है, कहा जाता है कि राजस्थान में बहुत रेगिस्तान है, मगर आज से 1400 साल पहले भी रेगिस्तान ही से पूरी दुनिया में ठंडी हवा चली थी, वहीं से बहार का मौसम आया था पूरी दुनिया में। और इसीलिए मैं फिर ये उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद पर अपनी इस बात को मुकम्मल करता हूँ कि आप एक मुनज़्ज़म गरोह बनिए, क्राउड बनकर एक बार भीड़ इकट्ठा हो जाने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी ज़िंदगी का, प्लीज़ मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों से कह रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत है, काश के वक्त में गुंजाइश होती तो मैं तुम में से एक एक के घर के दरवाजे पर आता और फ़कीरों की तरह सदा लगाकर बाहर खड़ा इंतज़ार करता, और मैं जब तुम बाहर निकलते तो मैं तुमसे कहता कि मैं हाथ जोड़कर, ये फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया है कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो। रात में 12 एक दो बजे तक आप मोबाइल से खेलते रहो, बाहर नौजवान बाहर 4-6 दोस्तों के साथ बातें करते रहें, होटल आबाद रहें, इस तरह आप तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते, इस तरह आप मजबूत कौम नहीं बन सकते। अपने टाइम को बचाइए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, एक बामकसद कौम बनिए, मुताला कीजिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपनी पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ाइए, सोशल रिलेशंस को वसी कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाइयत की नज़र से देखिए। मैं सच कहता हूँ और वल्लाह किसी बनावट के बगैर कहता हूँ, मुझे इतना दुख होता है इस मुल्क की बदमनी की वजह से, चंद बदमाशों की बदमाशी की वजह से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में काम करने वाले हमारे भाई और बहन, पुलिस के हमारे भाई और बहन तपती हुई धूप में ड्यूटी देते हैं, उनको सुबह का नाश्ता दोपहर तक नहीं मिलता, दोपहर का खाना रात तक नहीं मिलता। मैं
जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक ऑफिसर, एक एक ऑफिशियल, पुलिस के एक एक कर्मचारी, एक एक कांस्टेबल भाई, एक एक बहन, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अजीम शान इजलास की परमिशन दी। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कुछ पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई कल, मैंने वो खुद मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा आप जैसे अगर ऑफिसर्स अगर पूरे देश में आ जाएं तो भारत जन्नत निशान बन सकता है। आप कदर कीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत कुर्बानी है उनकी, कितनी मेहनत करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मैं इस पहलू पर हमेशा बहुत नज़र रखता हूं, मुझे दुख होता है हस्बैंड और पुलिस में है, वाइफ हाउस वाइफ है या कोई जॉब करती है, या वाइफ पुलिस में है हस्बैंड कोई और काम करता है। हमारी और आपकी हिफाजत के लिए, हमारी आपकी इबादतगाहों की हिफाजत के लिए, हमारी आपकी जान और माल और इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए सख्त तकलीफें उठाती हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये बीच में गलतफहमियों की दीवारें हायल हैं, गलत है ये। पुलिस की वर्दी में जो पहने हुए खड़ा है इंसान, या जो बहन खड़ी हुई है, बेटी खड़ी हुई है, वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, वो पुलिस वाला भी है और उससे पहले वो एक इंसान है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा बेटा है। फौज सरहदों पर, देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारी आर्मी के लोग महीनों महीनों अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। आप जयपुर के लोगों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक, इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट, बाहमी एतमाद, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, उसकी एक नज़ीर कायम कीजिए। और मैं इस एतबार से हमारे हाफिज़ मंजूर साहब, मुफ्ती अखलाक साहब और इनके और तमाम और साथियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नहायत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबको एतमाद में लेकर ये शानदार जलसा सजाया है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। ए नौजवानों, तुम्हें नहीं मालूम तुम सो रहे होते हो और मेरे जैसे कितने उलमा और बूढ़े तहज्जुद के वक्त में तुम्हारी हिफाजत के लिए रो रहे होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, वल्लाह तुम्हें नहीं मालूम, अभी पिछले चंद दिनों पहले इसी बीमार हालत में मैं मक्के मदीने गया, सरवर कायनात के रोज़े पर हाजिर होकर मैंने पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की तरफ से, मुसलमानों ने हिंद की तरफ से बारगाह नबूवत में सलात व सलाम पेश करने के बाद ये मिसरा अर्ज किया कि ए खास ए खासान रसूल वक्त दुआ है, ए खास ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बच्चियों, हिजाब पर फख्र करो, हिजाब पर नाज करो। मुझे वक्त नहीं है वरना मैं कहता, ये हिजाब और ये पर्दा ये भी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और वो भारतीय संस्कृति पूरे देश ने छोड़ दी, अश्लील मगरबी पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया सिवाय राजस्थान के। यहाँ के बहुत से समाज की औरतों ने आज भी घूंघट नहीं छोड़ा, आज भी अपना घूंघट नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उड़ुपी मैसूर और बेंगलोर की लड़कियों के हिजाब खींच रहे हैं, वो आए राजस्थान और राजस्थान की इन महिलाओं का घूंघट उतार कर देखें। ये क्या अंधेर नगरी है राजस्थान की औरतों। काश कि मेरा ये पैगाम राजस्थान की महिलाओं तक, उन तमाम बहनों तक जिन्होंने आज तक अपनी घूंघट नहीं छोड़ी, ये मेरा पैगाम पहुँचे कि तुम घूंघट मत छोड़ना, ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। और इसकी दलील ये है, शायद आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो या कम से कम शायद रामायण का सीरियल देखा होगा। मैंने रामायण पढ़ी है, मैं उसका सीन याद रखता हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आए थे तो उस वक्त एक जश्न मनाया गया था उनके स्वागत के लिए, और उस वक्त उनके भाई लक्ष्मण को कहा गया, वहाँ पर 14 औरतें खड़ी हुई थीं, लक्ष्मण जी से कहा गया
ये ले माला हार अपनी भाभी सीता के गले में ये हार पहनाओ। तो वो लक्ष्मण जी आगे बढ़े और सर झुकाए खड़े रहे। लोगों ने कहा देर हो रही है, जल्दी से सीता भाभी के दिल के गले में अब ये माला पहनाओ। तो लक्ष्मण जी ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, कोई मुझे बताए तो कि इन महिलाओं में मेरी भाभी हैं कौन। तो लोगों ने उनसे कहा आप 14 साल अपनी भाभी की रक्षा में यहाँ रहे हैं और आपको आज तक नहीं मालूम कि आपकी भाभी कौन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो मैं तो पहचानता, मैंने कभी अपनी भाभी के चरणों से ऊपर नज़र नहीं उठाई। मुसलमान बहनों और बेटियों, किसी इंफ्रियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत होना। तुम्हारा तालीम हासिल करो मगर पाक दामन रहो। तुम्हें देखकर कोई लड़का सीटी न बजाए, तुम्हें देखकर कोई ये न कहे कि तुम बाजारी औरत हो, तुम्हें देखकर ये कहे कि ये शरीफ घर की लड़की है, हम इसको नहीं छेड़ सकते। ये कुरान ने बताया है, पर्दे की फिलॉसफी बताई है, लिखाई औरफ में फराय व ज़ैन, ताकि वो पहचान ली जाएं कि वो शरीफ ज़ादियाँ हैं। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ बीमार को ये मौका दिया कि मैं कुछ दर्द दिल आपके सामने कह सकूं। और मैं इस बात पर भी माजरत करता हूं कि मेरे पेशरो फाजिल मुकर्ररीन ने मुझ पर बहुत ही एहसान करते हुए अपने अपने वक्त गुफ्तगु को मुख्तसर रखा और हर एक का गोया इसरार ये था कि तुम्हें ज़रा हम सब की नुमाइंदगी करते हुए तफसीली बात करनी है। खुदा करे कि मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात न निकली हो जो इस नुमाइंदगी के शायन शान न हो। आप सबको मुबारकबाद, आप सबको सलाम, आप सबका शुक्रिया और इस बात की दिली दुआ कि दोनों जहान की खुशियाँ हम सब के नसीब में लिखी जाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।